जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। पॉपुलेशन गिर रहा आपका। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। भागवत ज्ञान क्यों भड़के जान, भाईजान की तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके साथ में हूं आयुष सूर्यवंशी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी फिर भड़क गए। मोहन भागवत ने बिना किसी समुदाय विशेष का नाम लिए सर्वसम्मति से जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने की वकालत की तो सबसे ज्यादा मिर्ची असुद्दीन ओवैसी को ही लग गई। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए फर्टिलिटी रेट में कमी आने की बात कही, साथ ही मुसलमानों को आबादी के मसले पर भड़काते हुए भी नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि भागवत फॉर्मूला कबूल, ओवैसी बोले मत करो भूल, बढ़ती आबादी क्या संसाधनों की बर्बादी भी है? और आबादी पर अगर अच्छी पहल की जा रही तो उस पर नाराजगी क्यों है आखिर असुद्दीन ओवैसी की? भागवत ज्ञान पर आखिर भाईजान क्यों भड़क उठे? जनसंख्या नियंत्रण को धर्म जाति से जोड़ना आखिर कितना जायज है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, मन बनाकर उसको लाया जाए। भागवत का यही वो बयान था जो AIMIM चीफ को चुभ गई। भागवत इस बयान में समग्र नीति की बात कर रहे हैं जो सभी समाज को मंजूर हो। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? सवाल उठ रहा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या के सर्वमान्य नीति की बात की तो सिर्फ मुसलमानों के पैरोकार समझे जाने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ही ये बात क्यों चुभ गई? आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो, बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका, सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। ओवैसी ने तो यहां तक दावा किया कि मुस्लिमों की जनसंख्या कम हो रही है। कि मोहन भगवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इंबैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया, माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा मुसलमानों का गिरा, ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ उसका रिकॉर्ड बता रहा है। ओवैसी के जहर बुझे बयान का सिलसिला नहीं थमा है। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने के लिए हैदराबाद की इस रैली में क्या कहा ये भी सुन लीजिए। वक्के यजीदों का साथ मत दो, मुसलमानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, पहचानो, अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो, तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो। ओवैसी जब भड़के तो कुछ लोगों ने भी रोटी सेकनी शुरू कर दी। पहले RSS को सुधारें और पूरी गवर्नमेंट को, BJP की गवर्नमेंट, फिर उसका उससे कहें, पर मुसलमान तो इसको मानता ही नहीं। कंट्रोलिंग का जो निजाम है ये मेरे रब के कब्जे में है, इसलिए जो लोग हुक्मरानी के जोम में ऐसा कर रहे हैं वो करते रहे, ये उनका इख्तदार है, लेकिन बात वही होगी जो मेरा रब चाहे। सभी जानते हैं जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है, इसके गंभीर परिणाम की चेतावनी भी नेता समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पर ओवैसी के बयान से कोई अच्छे परिणाम निकलेंगे? और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हिंदू मुसलमान का एंगल देने वाले नेताओं से आम सहमति बनाने की उम्मीद भी बेमानी ही होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अजहर खान साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर, महंत राजू दास जी हिंदू धर्म गुरु, और हाजी नूर अहमद अजहरी हैं प्रदेश अध्यक्ष AIMPLB के, अशोक पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल हाजी नूर अहमद जी आपसे ही है कि आखिर अगर
पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बात कही गई तो उसमें यजीद वाला एंगल, अल्लाह ने ये कहा है, इसकी नौबत आखिर क्यों आई? असुद्दीन ओवैसी क्या भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को ऐसे मुद्दों को लेकर भी? असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है ये उनकी अपनी राय है, लेकिन उन्होंने यजीदी क्यों कहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये देश स्वतंत्र है, आजाद है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी हो या हम हो या आप हो या कोई और हो, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। मेरा मानना ये है कि देश में रहने वाले हर नागरिक को क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, ये अधिकार उसको स्वतंत्रता के तरीके से उसे आजादी बतौर मिलना है। इसे स्वतंत्रता के तौर पर देखिए, जिम्मेदारी के तौर पर देखिए अजहरी साहब, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? मामला है ये, बताइए। ये उसका निजी मामला है, ये उसका निजी मामला है, वो कितने बच्चे पैदा कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहनना है। महंत राजू दास, निजी मामलों में दखल देने की कोशिश की जा रही है, कितने बच्चे पैदा करने ये परिवार डिसाइड करेगा। बिल्कुल राजू दास जी महाराज, चलिए आवाज नहीं आ रही अशोक पांडे जी, लेकिन ये बड़ा सवाल है। सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 2020 में दिया था उसमें कहा गया था कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, इसके लिए सरकार किसी को कंपल नहीं कर सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है, लेकिन अब जो बयानबाजी का सिलसिला दिख रहा है वहां पर जनसंख्या असंतुलन की बात कही जाती है, क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? क्या दोनों बातें आपस में विरोधाभासी नहीं दिख रही है? अशोक जी देखिए, आपको बता दें कि आज पूरे विश्व में भारत में जनसंख्या एक सबसे गंभीर चीज है। आज अगर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो जो लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से संघ के हमारे मोहन भागवत जी ने कहा, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को सहमत बता के इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आगे आना होगा। ये बहुत सही बात है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अगर देश से प्रेम है तो निश्चित तौर पे जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। हिंदू धर्म में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, लेकिन राष्ट्रहित को देख के आज 2 या 3 होने लगे। तो मेरा ये भी मानना है कि हमारे मुस्लिम भाई भी, सभी धर्मों के लोग निश्चित तौर पे, अगर देश बड़ा है धर्म और राजनीति से, बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्रहित को देखना है तो जनसंख्या नियंत्रण लाना होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा, ये सही बात है। असगर खान साहब, बड़ा सवाल ये उठता है कि जो TFR ऑल इंडिया एवरेज है वो 2 समथिंग है और मुस्लिम समुदाय की जो TFR है वो 2.3 है, एक फर्क तो है उसमें, लगातार कमी देखी गई है, सुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही उसमें एक सच्चाई भी दिखती है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है, उसको कम करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जा रही है? मोहन भागवत ने तो यही कहा कि सर्वसम्मति से एक नीति बनाई जाए जो सब लोग स्वीकारें भी, तो इसमें दिक्कत वाली बात कहां दिखी? जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट का अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। जैसे अभी आपने पीछे से बात लेके चले तो 2021 में डॉक्टर भारती परवीन साहब, जो खुद इस डिपार्टमेंट से, इसी महकमे से थे, इसी शोबे से थे, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने फैमिली प्लानिंग के लिए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भाई ये सब वॉलेंट्री है, तो उसकी कोई बात ही नहीं रही। और उसका कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट फिर 2022 में आपके मिनिस्टर साहब प्रहलाद पटेल साहब ने दिया, जो कंट्रडिक्टरी था। उसके बाद फिर अभी मोहन भागवत साहब ने कहा, उसमें खास बात ये नजर आई, मैं पढ़े, चूंकि कोई बड़ा आदमी और इतना जिम्मेदार आदमी मुल्क का कोई बात कहता है तो तमाम मुल्क की नजरें उसकी तरफ जाती हैं, सोच पैदा होती है, तो वो मॉडल होता है वो शख्स, जैसे मोहन भागवत साहब हैं। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको रिलीजन से रिलेट करने की कोशिश करी। देखिए, इन चीजों को कभी भी हमें मजहब से रिलेट नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। अक्सर हम ये बात करते रहते हैं टीवी पे भी और अदरवाइज, मस्जिद मंदिर या मुसलमान हिंदू, हम मुसलमान हिंदू क्यों कहते हैं?
हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहते, और जहां पॉपुलेशन का मामला आता है कोई भी किसी की वजह से बढ़ रही हो। असगर साहब, हो सकता है कि लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ये फासला हो। असगर साहब, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो सकता है कि टीएफआर में एक फर्क हो, लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर नीति बनाई जाए। सर संचालक ने तो यही कहा कि सर्वसम्मति से किसी पर थोपा ना जाए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अगर थोपेंगे तो हो सकता है लोग स्वीकारेंगे नहीं और ये अंतर नहीं आएगा, फर्क नहीं आ पाएगा। टीएफआर देश में एवरेज 2 समथिंग है और मुस्लिम समुदाय में यही टीएफआर जो है 2.3% है, लगभग 18% का फासला दिखता है, तो इसको नॉर्मलाइज तो करना होगा। बताइए खान साहब। देखिए हालांकि बहुत सारे मुझे सवाल पूरी तौर से समझ नहीं आया, आवाज आपकी कट रही थी, लेकिन फिर भी अंदाजे से मैं बात कर रहा हूँ कि मोहन भागवत साहब ने जिस दशहरे के टाइम पे कहा तो उन्होंने तीन चीजों को खास रखा था सामने। एक तो बर्थ रेट की बात उन्होंने कही थी, एक फोर्सफुल कन्वर्जन की बात की थी, एक बॉर्डर से आने वाले लोगों की बात की थी। देखिए तीनों चीजों को अगर हम अलग अलग करके देखें, अगर हम फोर्सफुल कन्वर्जन तो मेरी समझ में नहीं आया, आई फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन। भाई फोर्सफुल कन्वर्जन कभी नहीं होता है, कौन करा सकता है ना, कोई अगर मुसलमान से हिंदू हो रहा है तो वो फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है, कोई हिंदू से मुसलमान हो रहा है। असगर साहब, आप टॉपिक से भटक गए, मैं वापस ले आता हूं आपको। ना है ना कभी होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, क्या उसमें राजनीति जोड़ देना गलत नहीं है? क्या उस मुद्दे को लेकर भड़काना गलत नहीं है? और एक फर्क है, टोटल फर्टिलिटी रेट देश में ऑन एन एवरेज जो है वो 2.something है और मुस्लिम समुदाय में टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 से ज्यादा, 18% का फासला है, उसको नॉर्मल नहीं होना चाहिए क्या? यही मैं पूछ रहा हूँ, बाकी बातें अलग। बताइए खान, मैं आपकी बात हाँ, देखिए पहली बात तो ये टोटल मुद्दा, चाहे कहीं से भी कोई सवाल उठ रहा हो, चाहे वो वैसी साहब उठा रहे हो या मोहन भागवत साहब उठा रहे हैं, सब ये पॉलिटिकल स्टेप्स हैं, पॉलिटिकल इशू है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, हमारी पॉलिटिकल कुर्सी कैसे बचेगी ये सब उसके नतीजे हैं। चलिए ठीक है, राजनीति की वजह से किया जा रहा है। महंत राजू दास, मजहब ठीक है, राजू दास जी महाराज, सिर्फ ठीक है, ये कहा जा रहा है कि परिवार वाले डिसाइड करेंगे परिवार में कितने बच्चे होंगे, सरकार कैसे दखल दे सकती इस मामले में, ये तो किसी का निजी अधिकार है, जातीय मामला है। राजू दास जी, इसका जवाब दीजिए मौलाना। सुनिए, इसको किसी भी प्रकार से धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, बड़े सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये देश संविधान होना चाहिए कि नहीं ये बताइए। और बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, व्यवस्था के लिए खतरा है, संस्कृति के लिए खतरा है और हिंदुस्तान के लिए खतरा है। जिस प्रकार से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, आप देखिए कोरोना काल में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही थी, मुझको ये समझ में नहीं आता है कि ओवैसी जी को मिर्ची क्यों लग रही है, ओवैसी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और सख्ती से इसका पालन करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार से मांझी मुद्दा क्या है, संप्रदाय का बढ़ती आबादी मुद्दा है या जनसंख्या असंतुलन मुद्दा है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। खास वर्ग विशेष की आबादी अगर बढ़ता मुद्दा है तो उस पर सियासत हो रही है और वही बार पलटवार का जिक्र देखा जा रहा है। फिर नहीं, देखिए आप बढ़ती आबादी पे बात करेंगे तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 3 करोड़ थी और आज देखिए कितना है, 6 करोड़ से ऊपर है, तो इतना तेजी से बढ़ गया। ठीक है, अजहरी साहब असंतुलन की बात कही जा रही है। 1951 में मुस्लिम आबादी जो 9 से 10% के करीब थी वो बढ़कर 14 से 15% के करीब आ चुकी है, तो ये जो गैप बढ़ रहा है उसको लेकर वो असहज फील कर रहे हैं। हिंदू समाज को अगर किसी ने बच्चा पैदा करने के लिए रोका है क्या, ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ अजहरी साहब, ये कोई लॉजिक हुआ क्या, ये कोई लॉजिक है क्या, हमारी बात सुनिए, ये क्या बात हुई, आप एक तरफा कर रहे हैं बात, बिल्कुल नहीं करते हैं अजहरी साहब, आप हमेशा आप पहली बार तो चर्चा में बैठे नहीं है, नहीं एक तरफा वाला आरोप आपने कैसे लगा दिया, अजहरी साहब पहली बार बैठे क्या मिलता चर्चा में, हुकूमत को आप मशवरा दीजिए, अजहरी साहब दीजिए, सुनिए ना, ये जो सुनिए ना, जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी सुनिए ना, ये दूसरे मगरबी ममालिक से आई है,
और जिन लोगों ने इस पॉलिसी को ग्रहण किया है, ये फर्क क्यों आया 1951 में जो मुस्लिम आबादी 10% थी वो 15% के करीब कैसे पहुंच गई, इसका जवाब दीजिए। एक तरफा वाला आरोप अपने पास रखिए और उसका जवाब दीजिए। आप बेशक लगाते रहिए, आपका आरोप मेरे लिए ठीक है चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए अजहरी साहब। ना आपका कोई आरोप नया होगा मेरे लिए, ना आपका कोई कुतर्क नया होगा। जो सवाल मैंने पूछा है अजहरी साहब जवाब दीजिए अजहरी साहब, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। राजू दाजी, कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बच्चा पैदा करने से किसने रोका है? राजू दाजी बताइए, आप अनर्गल वार्तालाप कर रहे हो, आपने ये कहा। अजय जी लौटते हैं, अशोक जी आपने ये कहा कि तुमको, अशोक जी क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? अगर ये असंतुलन आता है तो सरकार इसको लेकर एक पॉलिसी बनाए, जिम्मेदारी है क्या? ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कोशिश अगर की जाएगी उससे सही हो जाएगा असंतुलन, बताइए। देखिए पॉलिसी तो बनेगी ही, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी बनेगी ही, क्योंकि देश में जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा होकर उभरा है। मोहन भागवत जी ने कोई राजनीति नहीं किया है, मोहन भागवत जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को कहा है। अजहरी साहब को दिक्कत क्यों हो रही इस बात से? देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, राष्ट्र से प्यार है, तो निश्चित तौर पे जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। अजहरी साहब, जनसंख्या नियंत्रण से आखिर दिक्कत क्या है? क्या अपना जो तर्क है अजहरी साहब, जो अपना तर्क है कि हिंदू लोग भी बच्चा पैदा कर लें, किसने रोका है? इससे बेहतर तर्क नहीं है क्या आपके पास? कोई नहीं किया अजहरी साहब, बताइए ना, इससे बेहतर लॉजिक सोच के नहीं आए थे आप? दोनों से कहा, अशोक जी के सवाल का जवाब दीजिए अजहरी साहब। नियंत्रण करे, ये नियम तो बनेगा, ये कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना इस सबूत को कोई बचा नहीं सकता। अरे शारी याद करने से लॉजिक थोड़ी हो जाएगा, शारी तर्क थोड़ी है, किसी की शारी रट लेंगे वो तर्क थोड़ी हो जाएगा। तर्क दीजिए, लॉजिकल रहिए, फैक्चुअल रहिए, तर्कों और तथ्यों पर बात करिए, शारी मत पढ़िए। यहाँ मैंने पूछा, आपने कहा कि हिंदू भी बच्चा पैदा करने, किसने रोका है? ये कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का तथ्य है? ठीक है चले, ठीक है आपके पास जवाब नहीं है, आप शायरी की पढ़ सकते मुझे लगता है। अजगर खान साहब, ठीक है अजगर खान साहब ये बताइए, क्या लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ये रीजन है हमारे मुल्क में? अजगर साहब, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से फासला है, जागरूकता से कमी आएगी या इस पर सख्त कानून की जरूरत है? और इस पर राजनीति हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है? नहीं, जनसंख्या नहीं, नहीं, यही बात मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो काउंसलिंग होना चाहिए, ना कानून की जरूरत है, काउंसलिंग की हर जगह जरूरत होती है, और पहला कदम काउंसलिंग ही होना चाहिए, बाद में कानून आता है। बाद में कानून का मतलब यही कि आपने पत्थर की लकीर खींच दी, और खासकर ऐसे फैसलों में पत्थर की लकीर होनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में इसकी जरूरत है? इस मुल्क में हमारे पास इतना स्पेस है, इतनी जगहें हैं, मुल्क एक कगार पे खड़ा है। सबसे पहला सवाल यह है कि ये कोई बोझ नहीं बनेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो बोझ नहीं है। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ेगी, हाँ, तो मुल्क की तरक्की भी बढ़ेगी, लोग काम करेंगे। चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ लोग काम करते हैं। जब आबादी आती है, विपदाएं आती हैं, तो यही जो आबादी है वो संसाधनों की बर्बादी के तौर पर भी देखी जाती है। कोविड काल का जिक्र किया मंत्र में, वो हमने देखा कि किस तरह से लोग ज्यादा थे, बस कम थे। आप उसका, आपका देखने का एंगल है, आप उसको बर्बादी के तौर पर क्यों देख रहे हैं? कैसे देखे आबादी को? आबादी संसाधन तो सीमित है ना सर, संसाधन तो हमारे पास लिमिटेड ही है। तरक्की के तौर पर मंत्राजुदा, ये सिर्फ सियासी सवाल है। इसके क्या सिर्फ राजनीति की वजह से जनसंख्या के मुद्दे को बढ़ावा दिया जा रहा है? मान जी, तो कौन पूछेगा कि किसान क्यों मरे? कौन पूछेगा तालीम कहाँ है? कौन रोजी रोटी का सवाल करेगा? कौन लिंचिंग पे सवाल उठाएगा? कौन माओ और बहनों की किस्मत पे सवाल उठाएगा? चलिए मान जी की आवाज नहीं आ रही, अशोक जी बताइए, एयरपोर्ट कहाँ चले गए? सिर्फ राजनीति के चलते ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं क्या अशोक जी? इन चीजों पर सवाल कौन उठाए? इसलिए सिर्फ जहन को मुंतशिर करने के लिए ये सारे सवाल रोज। अशोक जी बोलिए कि सब पॉपुलेशन यहाँ जा रही है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। अशोक जी, जानबूझ के ऐसे मुद्दों को हवा दे देते हैं, महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो रहा है। प्रलाप कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, चाइना में भी बच्चों का कानून है। चाइना में ऐसा कानून है, मौलाना जानकारी की बात करते हैं तो आप आइए आगे एक बार डिबेट करिए।
अरे डिबेट ही कर रहे हैं, बात रखिए बारी बारी से। आपको सारी परसेंटेज मैं अभी कहिए पूरे हिंदुस्तान की बता दूं, सारी चीजों की मेरे पास लिस्ट है। आप क्यों कह रहे हैं अगरगल, क्यों आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है? दोनों को मिलके ठीक है राजू जी, मान जी, मान जी, क्या ये सियासी मुद्दा सिर्फ है या वक्त की नजाकत है? जरूरत है ये जनसंख्या पर सख्ती कानून। देख लीजिए हाजी नूर की भी जो वक्तव्य था वो न तो संवैधानिक है और शुद्ध रूप से गैर जिम्मेदाराना था। अब रहे अजगर भाई साहब का, उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या बढ़ने से कोई समस्या नहीं है और यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी और कार्य प्रगति पे होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा हाजी, आपको संवैधानिक तरीके से अपने पक्ष को रखना चाहिए, बात को बोलना चाहिए। ऐसे नहीं, गलत बात आप सब बारी बारी से बोलिए, हमको भी बोलना आता है, संविधान पे बात करिए। हम भी कुछ बोल सकते हैं आपको, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना बात हो जाएगा। ठीक है मुद्दे पे, किसी पक्ष को रखने आए हैं आप किसी पक्ष को रखने आए हैं तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से बढ़ती हुई देश की पॉपुलेशन जनसंख्या, वो एक व्यक्ति के लिए बात नहीं है। ये नहीं कि मुसलमान जो है दो बच्चा पैदा करेगा तो हिंदू चार बच्चा पैदा करेगा, जब संवैधानिक तरीके से बात हो रही। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का वक्त देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल को बात की जाती है तो पॉलिटिक्स क्यों होने लगती है, और क्या वक्त की जरूरत है कि पॉपुलेशन को लेकर जागरूकता की कोशिशों के साथ इसमें कमी लाई जाए, या फिर एक सख्त नीति की जरूरत है जिससे बढ़ती आबादी पर रोक लगे और संसाधनों की बर्बादी में भी कमी आए। खबरें लगातार जा रही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाए।